हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्प फॉर स्पेशल। सो आज हम आपके साथ कुछ वर्कशीट्स लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश की। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी इंग्लिश की कि क्या क्या आप करा सकते हैं, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट शीट में आप देख सकते हैं सर्कल द राइमिंग वर्ड्स फन। फर्स्ट क्वेश्चन है फन, तो बच्चे का राइमिंग वर्ड सर्च करना है। यू एन जहाँ पे है तो वहीं पे सन वो मार्क करेगा, कैट। तो ऐसे ही बच्चे की राइमिंग्स जो वर्ड्स होते हैं कैसे आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक दिस, कि आप कुछ पर्टिकुलर शीट्स बना दो और उसको बच्चे को एंजॉय करने दो, और एंजॉय में ही बच्चे की लर्निंग हो रही है एंड बच्चे की बहुत सारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है। बिकॉज इस शीट में ही आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि इतने सारे वर्ड्स हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से इंजॉय करता है ये एक्टिविटीज़ को। सो राइमिंग वर्ड्स का कंसेप्ट उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट शीट जो है हमारे पास उसमें है राइमिंग वर्ड्स। अब पहले हमने बच्चे को ऑप्शन दिए थे, यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फार, फार का क्या होगा, कार। जैसे बच्चे को लास्ट वर्ड देखना है और सोच के लिखना है कि क्या होगा। जैसे केक में बेक, एक, ए के ई। तो हमें बच्चे को ऐसे सिखाना है कि एक तो क्या हो सकता है, तो ये सब। जॉय, बॉय। शीप का एंड में आना चाहिए ईप, तो बीप। तो ये वर्ड्स हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है कैन, सो मैन। तो दिस इज़ अमेजिंग वर्कशीट बुक फॉर द चिल्ड्रन, जिनका राइमिंग वर्ड्स आप सिखा रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी आप बना सकते हैं और रब भी कर सकते हैं। बिकॉज ये मैंने जो प्लास्टिक वाली पॉलीथिन वाली फाइल होती है मैंने उसमें डाल रखे हैं ये शीट सारी। आप बच्चे को बार बार दे सकते हैं जिससे कि बच्चा ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख जाए, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है सर्कल द एक्शन वर्ड इन द बॉक्स, सिंग, ट्री, बुक, प्ले, डॉग, जंप, बॉल, ईट, डांस, लॉयन, रॉज, स्लीप। सो इसमें बच्चे को एक्शन वर्ड सर्च करना है। इसमें नाउन्स भी आप दे सकते हैं, जैसे नाउन्स की भी वर्कशीट बना सकते हैं, बट इसमें बच्चे को एक्शन वर्ड सर्च करने हैं। हम बच्चे को बताना है कि एक्शन वर्ड्स हमारे वो होते हैं जिनसे जो एक्शंस होते हैं जिसमें, जैसे कि सिंग करना या प्ले करना, जैसे हम कोई डूइंग एक्टिविटी कर रहे हैं। और सेम इसमें क्या करना है, सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट हैव द सेम साउंड। सेम साउंड को सर्कल करना है। सैट एट का सेम साउंड है, सैड हैट का सेम साउंड है, एश, मास्क, शट, ग्लैड, इनमें कोई भी साउंड नहीं है, तो डज नॉट हैव अ सेम साउंड। सो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हैं सर्कल द एक्शन वर्ड्स। इसमें क्या है, एक्शन वर्ड्स बच्चे को सर्च करने हैं, फिर से वही सेम, बर्ड, मैंगो, ईट, बुक, राइट, स्लीप, टॉक, टेडी। सो इसमें बच्चे को प्ले करना है, प्ले मतलब भी समझा सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्ले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट, टॉक। सो इसमें बच्चे की वोकैबुलरी प्लस मीनिंग्स उसके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और डेली रूटीन में वो बच्चा सीखेगा। सो नेक्स्ट में आप वर्कशीट में देख सकते हैं मैच द अपोजिट्स। इसमें क्या है, जैसे अप से डाउन मैच करेगा, डे से नाइट मैच करेगा बच्चा, बहुत अच्छे से अपोजिट्स का कंसेप्ट उस बच्चे को आ जाएगा। हॉट का क्या होता है, कोल्ड। हम पहले स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत इजी वे में सिखाते हैं, देन उसको कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ करता है, घर में इंजॉय करता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बच्चे की लर्निंग होती है। पहले मैंने बच्चे को मैचिंग दे दी, अब बच्चे को मैंने लिखने के लिए दे दिया कि बच्चा अब इसका लिखिए आप कि क्या होगा, कोल्ड का, हॉट, डे का, नाइट। आप वही सेम वर्ड्स भी दे सकते हैं या आप थोड़ा सा अलग भी दे सकते हैं। और हमारी हेल्प फॉर स्पेशल मार्ट एक अमेज़ॉन पे शॉप है, उस पर आप जा सकते हैं, मैं इसके नीचे लिंक दे दूँगी। वहाँ से भी आप बहुत सारे टूल्स जो हैं या फिर स्पेशल एजुकेशन की वर्कशीट्स या फिर स्पेशल एजुकेशन की जो भी नीडी चीज़ें होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो भी टूल्स होते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, सो डैट कि आपको ईजी हो जाए अपने बच्चे के साथ काम करने में। सो यहाँ पे भी वही सेम है, अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं बहुत सारे
और बच्चे को लिखना है, तो एक काइंड ऑफ टेस्ट भी ले सकते हो बच्चों का और कहीं ना कहीं आप बच्चे के साथ वो कर सकते हो। तो दिस इज़ अमेजिंग एक्टिविटी, बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं आप ऐसे बना के कि अपोजिट वर्ड्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप ऐसे बच्चों को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट एस फॉर द पिक्चर। तो ये कंसेप्ट आ गया सिंगुलर प्लूरल का, जैसे हम बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट देंगे। तो जैसे ये थ्री है, तो थ्री मतलब क्या है, लीव्स हैं, तो बच्चा लीव्स लिखेगा, उसकी स्पेलिंग लिखेगा प्रॉपरली। आप ये भी लिखवा सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर भी लिखेगा एस एस या फिर पी, आप ऐसे भी लिख सकते लिखवा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है प्लूरल, थ्री है, हमें उसे कंसेप्ट देना है कि सिंगुलर मीन्स वन एंड अगर वन से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल में काउंट होता है। सो बच्चा उसको प्रॉपरली लिखेगा कि क्या है मार्क्स, ये सब। बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी वर्कशीट्स को। तो आप अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली आप बच्चों को बना के दीजिए, सो डैट कि उनकी वोकैबुलरी, उनके ग्रामर कंसेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएं और क्लियर हो जाएं बच्चों को। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैच द जेंडर्स है, जिसमें बच्चे को जेंडर से जेंडर मैच करना है। वुमेन का क्या होता है, जेंटलमैन, मदर फादर, अंकल आंट। तो ये सारे बच्चे धीरे 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 उसकी वोकैबुलरी प्लस उसका अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर पोजिशन, उसके कंसेप्ट्स, जैसे कि आप नाउंस ले सकते हैं, एक्शन वर्ड्स, आपका वर्ब्स हो गया, जेंडर हो गया, नंबर हो गया, ये सारे कंसेप्ट आप एक वर्कशीट में बना के उसे एक फाइल बना सकते हैं और डेफिनेटली बच्चे में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आपको ये सारी वर्कशीट्स चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी जहाँ पे ये सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी और आप अपने बच्चे के साथ डेफिनेटली आप इंजॉय करिए और ऐसी एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज करिए। सो नेक्स्ट, टिक राइट द करेक्ट नाउन। ये केक बना रखी है लीफ, तो बच्चे को लीफ या लीव्स पे सर्कल करना है या फिर राइट करना है। सो एक है कैरेट, तो कैरेट पे होगा, कैरेट्स पर नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आप बच्चों को सिखा सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल का। नेक्स्ट आता है चूज़ ए एंड एन। ए और एन से पहले हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि हमारे वोवल्स कौन से हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और कॉन्सनेंट्स कौन से हैं। जैसे ट्री बना हुआ है या एप्पल बना हुआ है, तो ट्री, ट, टी, टी इज़ नॉट अ वोवल, तो टी के आगे हम ए लगाएंगे, ए ई आई ओ यू के आगे हम एन लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप बच्चों के साथ डेफिनेटली ट्राई करिए। पहले हम नॉर्मल वर्ड्स के साथ देंगे, देन हम उसको हम एक प्रॉपर सेंटेंस में ले आएंगे कि सी देखना है अब इसमें आपको। ए हमारे कॉन्सोनेंट्स के साथ लगते हैं और एन हमारा किसके साथ लगता है, वोवल्स के साथ लगता है। तो हम ऐसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चा फिल करेगा फिर प्रॉपरली। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों को, और साइड में आप लिखवा भी सकते हो कि वोवल्स कौन से होते हैं, यहाँ पर साइड में लिखो, और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं वो भी आप लिखवा सकते हैं। जो भी वोवल्स नहीं होते वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो जेड तक जितने भी आते हैं, बी से लेके, उतने हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बच्चे को हमें पूरा फिल करवाना है और फर्स्ट वर्ड उसे बताना है कि फर्स्ट वर्ड आपको देखना होता है। कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, वोकैबुलरी, ग्रामर कंसेप्ट, इंग्लिश कंसेप्ट, ये सब बच्चे का इम्प्रूव होता है। सो नेक्स्ट, अब सब कुछ हमारा मोस्टली ग्रामर पार्ट हो गया है, तो अब हम बच्चे को सेंटेंस मेकिंग भी देंगे कि सेंटेंस बनाओ बच्चे इसका। आप प्रोनाउंस को यूज़ करके या फिर वर्ब्स को यूज़ करके आप सिखा सकते हो, आई सॉ एन इंसेक्ट या फिर आई सॉ बर्ड, लेडी बर्ड, कुछ भी आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड भी दे सकते हैं। इट्स योर विश कि आपको कैसे देना है। थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए बच्चे को हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि बच्चे की वोकैबुलरी अच्छे से इम्प्रूव हो और अच्छे से सब कुछ बच्चा लर्न कर ले। नेक्स्ट आता है रीड द शॉर्ट पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें हम छोटा सा बच्चे को आंसर पैसेज देंगे और बच्चे को नीचे फाइंड आउट करना होगा। Fluffy is a cat. She likes to play. Fluffy can jump very high. तो which kind of animal is Fluffy? That is cat. So हम cat पर टिक करेंगे। What does she like to do? क्या पसंद है उसे, क्या करना पसंद है? उसे पसंद है play करना। Play करने पे हम
टिक करेंगे. देन व्हाट कैन फ्लफी डू, क्या कर सकती है वो, जंप वेरी हाई, तो जंप हाई पे हम इसको क्लिक करेंगे. तो ऐसे हम बच्चे को अनसीन पैसेज भी सिखा सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे को हमें कैसे कंसेप्ट सिखाना है. और आप ऐसी कुछ वर्कशीट्स प्लान करके आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स भी बना सकते हैं. एक जैसे नाउन की पूरी बुक बना दी, एक प्रोनाउन की बना दी, एक अनसीन पैसेज की बना दी, एक वर्ब्स की बना दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास क्या क्या मटेरियल है. तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोबारा से अनसीन पैसेज आ गया. अब मैंने क्वेश्चंस में दिए, तो दिस इज़ अ शिप, इट लव्स टू रन एंड जंप, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, इट गिव अस वूल, इट लाइक्स टू ईट ग्रास, इट सेज बा. सो विच साउंड डज द शिप मेक, बा. व्हाट कलर इज द शिप, इज ब्लैक एंड वाइट. तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा प्रॉपरली. सो आई होप आपको हमारी सारी एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं, हमारी वर्कशीट्स पसंद आती हैं. तो आप इनको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और हमारे बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए. एंड प्लस आप जितना उसे स्प्रेड करेंगे तो हर बच्चे को ये वीडियो मिलेगी, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को या टीचर को पर्टिकुलर बहुत सारी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल सकेंगी. नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूज़ दिस और डैट का. दस मीन्स नियर के लिए यूज़ होता है और डैट मीन्स फार के लिए यूज़ होता है. तो हम ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं. सो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप बच्चों के साथ डेफिनेटली ट्राई कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ इट, क्या है ये, पेंसिल. तो बच्चे को क्या लिखना है यहाँ पे, पेंसिल. नेक्स्ट है व्हाट इज़ इट, क्या बना हुआ है सामने. तो बच्चा पिक्चर से वर्ड कैसे लिखेगा, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी वर्कशीट है जो आपको डेफिनेटली बच्चों को करानी चाहिए. जो अभी 4, 5, 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनको आप ये कराओ, डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी और ग्रामर स्किल्स, ग्रामर टॉपिक्स उनको क्लियर होंगे. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हेल्प फॉर स्पेशल. थैंक यू सो मच.